शेख, मेरा एक सवाल है कि जैसे हम ऐसे वक्त मस्जिद में दाखिल होते हैं कि ईसा की फर्ज नमाज जो है वो फौत हो जाती है और तरावी चल रही होती है, तो शेख क्या वो तरावी की जमात के साथ हम वो फर्ज नमाज की नियत करके उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं ऐसे? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी ईशा की नमाज फौत हो गई है किसी माकूल सबब से और आप पहुंचे तो तरावी की नमाज शुरू हो चुकी है, तो आप ईशा की नमाज की नियत से उस तरावी की जमात में दाखिल हो जाइए और जब 2 रकात पर इमाम सलाम फेर दे तो फिर आप खड़े होकर 2 रकात मुकम्मल कर लीजिए। जी उसे कि हम जो अपनी फर्ज नमाज पूरी कर लेंगे और फिर तरावी जो चलती है तो उससे क्यों जो सुन्नत हमारी जो बाकी रहती है ईसा के बाद वाली, तो उसकी नियत भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं? नहीं, एक नमाज में एक ही नियत होगी, वो आपकी फर्ज नमाज हुई, अब गोया की 2 रकात तरावी आपकी छूट चुकी है, उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। नहीं सर, जैसे कि वो जैसे हमने 4 रकात तो पढ़ लिए वो, और बाकी की जो दूसरी जो तरावी चल रही है वापस से सलाम इमाम ने सलाम फिर दी 2 रकात की, और जो दूसरी 2 रकात के लिए खड़े होते हैं, तो से कि अगर वो उसी नियत में हम सुन्नत की नियत कर सकते हैं? नहीं नहीं, सुन्नत नहीं, सुन्नत बाद में आप पढ़िएगा, तरावी की नियत से उसमें शामिल होइए। जो आप, मैं आपका, हाँ मैं आपका मकसद समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि ईशा के बाद की जो 2 रकात सुन्नत होती है, सुन्नत रातिबा जिसको कहते हैं, क्या उसको तरावी वाली नमाज में नियत कर ले? नहीं, आप तरावी को तरावी की नियत से पढ़िए क़यामुल लैल की, और वो जो 2 रकात आपकी ईशा के बाद वाली जो सुन्नत है जो अभी नहीं पढ़ सके हैं उसे बाद में पढ़ लीजिएगा।